बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग हैर हरियत से होंगे। आज मैं आपको लॉन्ग साइड की सैर करवा रही हूँ, जहाँ पे जाते साथ ही पाकिस्तान की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। व्लॉग में आप लोग खुद देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लाहौर, गुजरात या खारिया में घूम रहे हों। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जिन सिटीज़ के नाम मैंने लिए वहाँ से कौन कौन है, और वो देखें जी, अपने एक पाकिस्तानी अंकल आंटी चेयर्स पे बैठे आते जाते लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे दो दो तीन तीन मरले के बंद घर होते हैं, पता नहीं वो घर में कितना घबराए होंगे। के रौनक मेला देखने के लिए बाहर आ बैठे। आप लोग देख सकते हैं ज्वेलर्स और कपड़ों की शॉप्स, अब यहाँ पे भी हर चीज मिल सकती है। मुझे भी कुछ चीजें चाहिए थी जो कि लेने के लिए मैं अंदाज शॉप पे गई, और चलें आपको भी अंदाज शॉप का विजिट करवाते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है। है ना फीलिंग पाकिस्तान वाली। लॉन्ग साइड में बहुत सारे अपने पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। ये देखें जी, मैनचेस्टर सुपर स्टोर, ये एक पाकिस्तानी स्टोर है जहाँ पे आपको हर तरह के खाने पीने की चीज़ें और हलाल मीट मिल जाता है। तो जी, आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुँच आए अंदाज शॉप पे। ये इनके पास स्वेटर और कार्डिगन्स लगे हुए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ। इन स्वेटर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और साइज भी इनके पास अवेलेबल थे। ये देखें ब्लैक कितना प्यारा बना हुआ है विद पॉकेट्स। इनके पास टाइट्स भी हैं जो कि हर स्टाइल्स और हर कलर में मिल सकती हैं। इनके पास लेडीज कपड़े नहीं, सिर्फ शॉल्स और कार्डिगन्स वगैरह होते हैं। मेंस के लिए शूज और कपड़े भी थे। ये सारे पाकिस्तानी स्टाइल के शूज और खुसे थे। ये देखें लेडीज शॉल्स और स्कार्फ्स। थोड़ी सी वैरायटी मुझे लेडीज के जूतों की भी नजर आई जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सारा मेंस का सेक्शन स्टार्ट हुआ। शलवार कमीज के साथ साथ वेस्टकोट भी इनके पास थी। ये देखें छोटे बच्चों के लिए भी सलवार कमीज और वेस्टकोट्स इनके पास थी। सलवार कमीज यहाँ पर ज्यादातर शादी ब्याह या ईद वगैरह पे ही पहन सकते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ से दो स्वेटर बाय किए। जो कि मुझे अपने अंकल आंटी को गिफ्ट करने थे। शॉप वाले अंकल ने मुझे अच्छे से पैकिंग करके दी। और यहाँ पे मैंने वही एक काम किया जो कि मोस्ट ऑफ दी लेडीज करती हैं। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। आंटी का स्वेटर निकाल के मैंने ये वाली जर्सी ले ली।
जो कि मुझे बाद में नज़र आई और ये मुझे ज़्यादा प्यारी लगी। इसके ऊपर गोल छोटे मोती लगे हुए थे जो कि जर्सी की खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। किसी के लिए भी गिफ्ट लेते हुए जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि जिसके लिए गिफ्ट लिया है उसको पसंद आ जाए। ये लॉन्ग साइड की ओपन मार्केट है। लॉन्ग साइड में रहने वालों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस मार्केट से वाकिफ ना हो। अभी ये क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस पे भी व्लॉग बनाऊंगी। और वो देखें जी, ऊपर आसमान पे रेनबो। अल्लाह पाक हम सब की जिंदगियों में ऐसे ही रंग भर दे, आमीन। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।